हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोवर्स.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जो है आपका जो कोई भी फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, उसका जो नोटिफिकेशन स्टाइल है उसको आप कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर आप सैमसंग जैसे या फिर एप्पल जैसे नोटिफिकेशन स्टाइल को पा सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास Redmi Note 7 Pro है। ये जो आज की ट्रिक है, ये किसी भी Android फ़ोन के ऊपर काम करेगी। ना आपको फ़ोन का बूटलोड अनलॉक चाहिए, ना रूट चाहिए, ना TWRP चाहिए। आपको सिर्फ Google Play Store में जाना है और एक एप्लीकेशन होती है उसको सर्च करना है, जिसका नाम है EDGE Mask। ये एक फ्री एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप जो है अपने नोटिफिकेशन स्टाइल जो है उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, एक डिफरेंट लुक पा सकते हैं अगर आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन से बोर हो गए हैं। तो जैसे कि मेंशन किया है, एज मास्क चेंज टू यूनिक नोटिफिकेशन डिज़ाइन। इसके अंदर आप नोटिफिकेशन तो चेंज कर ही सकते हैं और साथ ही साथ आप बॉर्डर पे एज लाइट भी ले सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके बॉर्डर पे जो है एज लाइट भी ओपन होगी, यानी कि ब्लिंक करेगी। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको कुछ नोटिफिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा, खासकर ये जो दो हैं, एप्स दैट कैन अपीयर ऑन टॉप और नोटिफिकेशन एक्सेस। इन दोनों को इनेबल कर देना है आपने और उसके बाद आपको काफ़ी सारे जो है मैसेज की नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको 5 नोटिफिकेशन स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको इफेक्ट भी देखने को मिलता है, एज लाइटिंग और एज लाइटिंग म्यूजिक भी। इसके लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है एज मैजिक म्यूज़िक, अगर आप चाहते हैं कि लाइटिंग के साथ जो म्यूज़िक इफेक्ट भी आपको आपके नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिले। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आपको स्टाइल मिलते हैं। मेरा जो इसके अंदर फेवरेट है वो है थर्ड वन, बुकमार्क स्टाइल। तो जो फर्स्ट वन है वो है रिपल्स स्टाइल। आप जैसे इसको इनेबल करेंगे, कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। तो इसकी सेटिंग में जाके आप जो इसकी मार्जिन को हटा सकते हैं, अगर आपको लगता है मार्जिन को हटाना है आपको। अगर आप चाहते हैं इसको आपको बॉटम पर रखना है तो आप इसको बॉटम पर रख सकते हैं। अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे से इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्यूरेशन, कितने देर के लिए नोटिफिकेशन विजिबल होना चाहिए उसको आप सेटअप कर सकते हैं, और क्या इसका साइज़ होना चाहिए उसको भी आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला मैसेज का नोटिफिकेशन, जिसका नाम था रिपल्स है। अगर जो सेकंड वन है वो है बिग आइकन स्टाइल। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जैसे सिंपल से पॉपअप जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप देख पा रहे होंगे साइड में जो है ये एज लाइटिंग भी ग्लो कर रही है, क्योंकि हमने एज लाइटिंग को इनेबल कर रखा है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। आप इसकी सेटिंग में जाके आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, मैसेज कलर को चेंज कर सकते हैं, वही की टॉप मार्जिन बॉटम जो आपको करना है वो यहाँ से इजिली आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, थर्ड वाला जो है बुकमार्क स्टाइल जो है मेरे लिए मेरा फेवरेट है। उसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो लुक है काफ़ी अलग सा है और सबसे यूनिक लुक है बाकी नोटिफिकेशन से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पॉपअप होता है ये राइट साइड से, एकदम से एक बुकमार्क स्टाइल के तरीके से। आप इसकी सेटिंग्स में भी जाके इसका बैकग्राउंड चेंज कर रखें, जैसे हमने इसको ब्लू कर रखा है। मैसेज कलर चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन, साइज वगैरह जो आप चेंज करना चाहें वो इजिली कर सकते हैं। अगर आपने सैमसंग के फ़ोन्स देखे होंगे तो सैमसंग का मैसेज स्टाइल भी आपने देखा होगा। तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सैमसंग मैसेज स्टाइल है, कुछ इस तरीके का। एक छोटी सी आपको पॉपअप विंडो आती है जिसके अंदर पूरा मैसेज जो है रिटर्न दिखता है और स्लाइड में चलता रहता है। आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर, मैसेज कलर टू लाइंस में कर सकते हैं, बॉटम पे कर सकते हैं, और ड्यूरेशन और साइज भी इसका यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। अब जो लास्ट वन है वो है iOS स्टाइल का, एप्पल का। अगर आपने मोस्टली एप्पल के मैसेज स्टाइल देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पॉपअप से आता है, तो आप उसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप जो है इसके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह को आप यहाँ पर इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। साथ ही साथ आपको एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको चाहिए इसके लाइटिंग का कलर चेंज करना है तो आप इसे कलर में जाके कलर्स को चेंज कर सकते हैं और छोटे मोटे कलर और कर सकते हैं, जैसे रेनबो कलर चाहिए आपको वो सारी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एज लाइटिंग जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। आपको देख पा रहे होंगे एक पिंक कलर की लाइट जो है एज में आपके ब्लिंक कर रही है। तो ये इस छोटी सी एप्लीकेशन से जो है आप इजिली जो है अपने नोटिफिकेशन स्टाइल जो है कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी फ़ोन में काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि MIUI 10 में काम करेगा या Redmi Note 7 Pro में, किसी भी फ़ोन में चाहे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो उसके अंदर काम करेगा। आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसको सारी परमिशन देने के बाद आपको जो भी नोटिफिकेशन स्टाइल पसंद है उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि कैसे आप नोटिफिकेशन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे चल के आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।